सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। ठीक है बच्चों, हमारी जो लाइव क्लास थी हिंदी की, जो कि ट्यूसडे को थी, मंगलवार को थी, 19 तारीख को, तब हमने यह पाठ को स्टार्ट किया था या शुरू किया था, पाठ 16 शहीद भगत सिंह। ठीक है, इसको हमने आधा चैप्टर हमने ये पढ़ लिया था, यानी कि आधा पाठ मैंने आपको समझा दिया था यहाँ तक। ठीक है, आज जो हम बचा हुआ पार्ट है, जो रह गया था, वो आज मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, एक बार फिर मैं रीडिंग कर लेती हूँ इसकी। ओके, चैप्टर नंबर 16, यानी कि पार्ट 16, शहीद भगत सिंह। भारतीय स्वतंत्रता की बलि वेदी पर जिन सपूतों ने अपने प्राणों का बलिदान किया, उनमें सरदार भगत सिंह का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। सरदार भगत सिंह का जन्म लायलपुर, जो अब पाकिस्तान में है, में 28 सितंबर 1907 को हुआ था। उनकी माता का नाम विद्यावती और पिता का नाम किशन सिंह था। इनकी बड़ी बहन का नाम अमरो था। जिस समय भगत सिंह का जन्म हुआ था, उस समय हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था, यानी कि अंग्रेजों का राज था। पूरे देश में अंग्रेजी शासन के खिलाफ आंदोलन चल रहा था। भगत सिंह के जन्म के समय उनके पिता लाहौर की सेंट्रल जेल में बंद थे, यानी कि जब भगत सिंह का जन्म हुआ था, उस समय उनके पिता, जो कि उनका नाम क्या है, किशन सिंह, वो कहाँ थे? लाहौर के सेंट्रल जेल में बंद थे। भगत सिंह की माँ विद्यावती ने उनका लालन पालन बड़े ही प्यार दुलार से किया। देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत उनकी परिवार के वातावरण ने भगत सिंह के मन पर गहरा असर डाला। ओतप्रोत यानी कि खूब भरा हुआ, मतलब कि उनके जो वातावरण था वहां पे, हर जगह, मतलब कि उन्हें क्या सिखाया जाता था, देश को प्रेम करो, ये सिखाया जाता था। ठीक है, इस कारण उनमें बचपन से ही क्रांतिकारी भावनाओं ने जन्म ले लिया था। क्रांतिकारी यानी कि वो भी अपने देश से बहुत प्रेम करते थे और वो ये चाहते थे कि अंग्रेज जो है हमारा देश, भारत छोड़ के चले जाए। भगत सिंह के जीवन से जुड़ा एक प्रसंग बड़ा रोचक है, जिससे उनके बचपन से ही वीर और साहसी होने का पता चलता है। यानी कि एक इंटरेस्टिंग सा एक वाक्य है, प्रसंग है, आप कह सकते हो, जिसमें कि हम ये देखेंगे कि जिससे हमें पता चला कि वो कितने वीर और साहसी थे, है ना। अब हम पेज नंबर 102 पे आ जाएंगे। एक बार भगत सिंह अपने पिता के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में पिता के एक घनिष्ठ मित्र मिल गए, जो खेत में बुवाई का काम कर रहे थे। घनिष्ठ मित्र यानी कि उनके बहुत ही खास दोस्त थे, बहुत ही अच्छे मित्र थे, वो उन्हें मिल गए, जो कि खेत में क्या कर रहे थे, बुआई कर रहे थे, यानी कि बीज डाल रहे थे, बुआई कर रहे थे। उनके पिता मित्र से बातचीत करने लगे तो भगत सिंह खेत में छोटे छोटे तिनके रोपने लगे। यानी कि उनके पिताजी जो अपने मित्र से बात करने लगे, तो उतने में ही ध्यान हटा के जो भगत सिंह है, उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे तिनके जो है वो भी कहाँ रोपने लगे, खेत में रोपने लगे। देखो, आप देख सकते हो, छोटे छोटे से तिनके इन्होंने यहाँ पे रोप दिया, और ये इनके पिताजी हैं, और ये इनके पिताजी हैं, और ये इनके पिताजी के मित्र हैं। ठीक है, अब हम ये देखेंगे आगे क्या हुआ। उनके पिता मित्र से बातचीत करने लगे तो भगत सिंह खेत में छोटे छोटे तिनके रोपने लगे। बालक के इस कार्य को देखकर पिता ने पूछा, यह क्या कर रहे हो भगत सिंह? बालक ने उत्तर दिया, बालक यानी कि भगत सिंह ने उत्तर दिया, बंदूकें बो रहा हूं। मतलब कि भगत सिंह इतने ज्यादा देश प्रेमी थे कि उन्हें ये, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें इतनी चीजें पता नहीं होती है कि हम क्या, मतलब कि अगर जमीन में डालेंगे तो वो उग के बाहर आएगा, यानी कि धान बाहर आ सकता है ना। फसलें में जैसे क्या है, आप कह सकते हो आपके फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, यानी कि फल है, सब्जियां, ये उग के आएगी अगर हम, धान आएगा अगर हम उसके बीज बोते हैं, लेकिन अगर हम बंदूकें बोएंगे तो क्या वो भी और ज्यादा होके आएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन वो बच्चे थे, उन्हें ये नहीं पता था कि बंदूकें जो होती है ये क्या होती है, ये इंसानों ने बनाई है, तो ये प्लास्टिक और इन सब चीजों से बनती है, और जो कि कहाँ बनेगी, फैक्ट्रियों में बनेगी, ये धरती में बो के नहीं बनाई जाती। ठीक है, तो उन्होंने अपने बालकपन में ये उत्तर दिया, बंदूकें बो रहा हूं, मतलब कि ये बंदूकें बो रहा हूं और ये थोड़े दिन बाद में बड़ी होके बाहर निकलेगी। तो भगत सिंह जैसे जैसे बड़े होते गए, उनके मन में देश प्रेम की भावना और गहरी होती गई, मतलब कि ये जो उनका देश के लिए प्रेम था, ये और ज्यादा बढ़ते गया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की ही पाठशाला में हुई, यानी कि जहां, जिस गांव में ये रहते थे, उसी गांव में इनकी प्रारंभिक शिक्षा, यानी कि जो आप शुरुआत में पढ़ते हो ना, नर्सरी, KG, 1, 2, 3, 4, है ना, ये प्रारंभिक शिक्षा होती है आपकी, प्राइमरी। ओके,
आगे की शिक्षा के लिए भगत सिंह नेशनल कॉलेज में लाहौर गए, और फिर उसके बाद में जब उन्होंने मैट्रिक पास कर लिया, 10वीं पास कर ली, उसके बाद में उन्हें कॉलेज कहाँ जाना पड़ा, लाहौर में, क्योंकि उनके गांव में कॉलेज नहीं हुआ करते थे तब उस जमाने में। वहां इनकी मुलाकात सुखदेव व यशपाल से हुई। इनके दो मित्र बने वहां पे, कौन? सुखदेव और यशपाल। कहाँ पे? नेशनल कॉलेज लाहौर में। ठीक है, तीनों गहरे मित्र बन गए और क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगे। यानी कि अब ये तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए, और ये तीनों ही कैसे थे, क्रांतिकारी विचार के थे। इन्हें भी क्या करना था, ये जो यशपाल है और ये जो सुखदेव है, इनको भी अपने देश से बहुत ज्यादा प्रेम था, और ये भी अंग्रेजों से अपने इस भारत देश को बचाना चाहते थे, छुड़ाना चाहते थे। इसीलिए ये सारे क्या है, क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगे। मतलब कि जो भी चीजें होती थी कि ये ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए, उन सारी चीजों में ये भी शामिल हो गए, और ये भी मतलब कुछ ना कुछ करते थे हमेशा उनके लिए। भारत को स्वतंत्रता दिलाने के उद्देश्य से देश के नौजवानों में देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए सन 1926 में उन्होंने लाहौर में नौजवान सभा का गठन किया। यानी कि ये जो भी हमारे भारत में जितने भी नौजवान थे, नौजवान यानी कि जो एक यंग एज के होते हैं ना, जो बच्चे भी नहीं होते, बूढ़े भी नहीं होते हैं, तो ये क्या होते हैं, एक नौजवान। यानी कि जवान किसे कहते हैं, जो 18 साल से लेके और 30 साल तक आप कह सकते हो, इन्हें हम नौजवान कहते हैं। तो इनमें क्या होती है, एनर्जी होती है, स्ट्रांग होते हैं ना, तो ये सारे काम कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, भगत सिंह ने 1926 में एक नौजवान सभा का गठन किया, यानी कि बनाई एक नौजवान सभा, जिसमें इन्होंने देश के सारे नौजवानों को, जो भी हैं, उनको ये बताना चाहा, ये उद्देश्य देना चाहा कि देशभक्ति जो है वो हमारे लिए कितनी जरूरी है, और उनके जो देश प्रेम था उसको उन्होंने जागृत किया। यानी कि भाषण दिया, उसके बारे में बहुत सारी चीजें बोली कि हमें अपने क्या करना चाहिए, अपने देश को कैसे इस ब्रिटिशर्स से बचाना चाहिए। ठीक है, तो ये नौजवान सभा इन्होंने गठन किया 1926 में। 30 अक्टूबर सन 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन आने वाला था। यानी कि 30 अक्टूबर को क्या हुआ, 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन जो है, ये ब्रिटिश के एक रूलर थे, या आप कह सकते हो कि इन्हीं के एक आदमी थे, जो कि क्या करने के लिए आने वाले थे, भगत सिंह ने साइमन कमीशन के बहिष्कार की योजना बनाई। मतलब कि ये जो साइमन कमीशन है, ये आने वाले थे, ये वहां के कमिश्नर वगैरह होंगे शायद, तो वो आने वाले थे, और भगत सिंह ने क्या क्या योजना बनाई, योजना यानी कि एक प्लान बनाया कि हम इसको बहिष्कार करेंगे। ठीक है, हम इसे क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे, मतलब कि इनका स्वागत हम नहीं करेंगे, है ना। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में उनके संगठन ने साइमन कमीशन का विरोध किया। यानी कि जो लाला लाजपत राय है, ये क्या थे, एक अध्यक्ष थे, जो कि क्या करते थे, ये सारे क्रांतिकारियों का जो भी जितने भी गठन थे, जितने भी संस्थान थे, इन सब के क्या थे, वो अध्यक्ष थे, और वही बताते थे कि किस तरह से उन्हें ब्रिटिशर्स को क्या करना चाहिए कि ये ब्रिटिशर्स जो है, ये हमारे इंडिया को छोड़ के, यानी कि भारत को छोड़ के चले जाए। ठीक है, तो साइमन वापस जाओ और इंकलाब जिंदाबाद के नारे चारों ओर गूंजने लगे। यानी कि इन्होंने सभा जब गठन की थी, उसमें सबको ये बताया कि ऐसा करिए, ऐसा बोलिए कि साइमन वापस चले जाओ, इंकलाब जिंदाबाद के नारे इन्होंने चारों ओर लोगों से लगवाए। पुलिस ने बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज किया। बर्बरता पूर्वक मतलब कि बहुत ही बेरहमी से, है ना, बर्बरता पूर्वक बेरहमी से, मतलब कि देखा नहीं कि किसे कहाँ लग रही है, और यूं बुरी तरह क्या कर दिया, लाठी चार्ज कर दिया, मतलब लाठियों से लोगों को मारने लगे। इसी घटना के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, और उसी लाठियों में जब वो उनको मार रहे थे लोगों को, तो जो लाला लाजपत राय है उनकी मृत्यु हो गई, उन्हें बहुत ज्यादा लगी और वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई, वो मर गए। आक्रोश में आकर भगत सिंह ने पुलिस कमिश्नर सैंडर्स की हत्या कर दी। और आक्रोश में यानी कि गुस्से में आके जो भगत सिंह थे, उन्होंने क्या किया, कमिश्नर सैंडर्स था उनको मार डाला, उनकी हत्या कर दी। इस कार्य के कारण भगत सिंह और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार यानी कि पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया, इनको बांध लिया और जेल में डाल दिया। ठीक है, 23 मार्च 1931 को राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई। और फिर क्या हुआ, ये जो अंग्रेजी सरकार थी, इन्होंने क्या किया कि इनको ये फैसला सुना दिया और ये सजा दी कि ये जो राजगुरु हैं, सुखदेव हैं और भगत सिंह हैं, इनको फांसी दी जाएगी। फांसी यानी कि लटकाया जाता है, गले से फांसी लगाई जाती है रस्सी से, और फिर
जब तक कि उनकी डेथ ना हो जाए, यानी कि जब तक वो मर ना जाए, तब तक उन्हें वहीं फंदे पे लटका कर रखा जाता है। ठीक है, तो 23 मार्च 1931 को इन तीनों को, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को, फांसी की सजा दी गई। उन तीनों ने देश की खातिर, यानी कि उन तीनों ने देश के लिए, खातिर मतलब कि देश के लिए, हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगा लिया। मतलब कि उन्हें इसका कोई अफसोस नहीं था कि उन्होंने कमिश्नर सैंडर्स की हत्या कर दी। इनको खुशी खुशी इन्होंने क्या किया, अपने जो भी ये फांसी का फंदा था, कि इनको जो पनिशमेंट मिली थी, इनको जो सजा मिली थी, उन्होंने हंसते हंसते उस फांसी के फंदे को गले लगा लिया और उन्हें इसका कोई अफसोस नहीं था। तब से यह दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि ये जो 23 मार्च है, ये शहीद दिवस के रूप में मनाई जाती है हमारे भारत देश में। शहीद भगत सिंह के बलिदान ने क्रांति को जो रास्ता दिखाया, उसी के परिणाम स्वरूप ही आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। यानी कि इनको देख के, जो शहीद भगत सिंह थे, इनके बलिदान को, बलिदान यानी इन्होंने अपनी बलि दे दी, इन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं करी और अपने भारत देश के लिए अपनी जान दे दी और लोगों को ये सीख दी कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ये जो ब्रिटिश सरकार है यहाँ से भाग के चली जाएगी, इन्हें यहाँ से अगर निकालना है तो हमें विद्रोह करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, क्रांति करनी पड़ेगी, है ना। तो इनको ही देखते हुए और भी जो हमारे, आप देखते हो बहुत सारे शहीद हैं, बहुत सारे जवान जो थे, हम अपनी हिस्ट्री को अगर पढ़ेंगे, हमारे इतिहास को अगर पुराना पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि फिर बहुत सारे लोगों ने देश के लिए अपने देश प्रेम को दिखाया है और क्या किया है, बलिदान दिए हैं, है ना। और क्रांति जागरूकता जो है वो और लोगों में भी फैली और सबने मिलके ही उसका ही आज परिणाम है, यानी कि रिजल्ट है, ये सब हुआ तभी ये आज परिणाम है कि आज हम आजाद भारत, यानी कि हमारा भारत जो है वो आज आजाद है। आज यहाँ पे कोई किसी की भी कोई भी क्या नहीं है, बंदिशें नहीं है, जैसे कि पहले ब्रिटिश सरकार की बंदिशें यहाँ होती थी कि आप ये नहीं कर सकते हो, आप बहुत सारा टैक्स लगा देते थे, ये सारी चीजें, किसी को भी बर्बरता पूर्वक मारते थे, तो ये आज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम क्या हैं, स्वतंत्र भारत के वासी हैं आज, है ना। तो ये क्यों हुआ है, क्योंकि भगत सिंह जो थे, शहीद भगत सिंह, इनके बलिदान की वजह से। ठीक है, इसीलिए हम आज अपने भारत में अच्छे से सांस ले रहे हैं, आजादी की सांस ले रहे हैं, इसीलिए हम आज फ्री हैं, आजाद हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। अब आप ये पाठ को क्या करेंगे, इस पाठ का पठन करेंगे, इसको रीडिंग करेंगे और अच्छे से 2 बार आप इसको रीडिंग करेंगे, ठीक है, और जो कठिन शब्द होंगे उनको अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, अब इस पाठ से हमें क्या सीख मिली है, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, वह देश की सेवा के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। यानी कि हमेशा हमें अपने देश को, यानी कि हमें इंडिया को या हमारा जो भी देश है उसे हमें बहुत प्यार करना चाहिए और देश की सेवा के लिए हमेशा सदैव तैयार रहना चाहिए। हमेशा सदैव मतलब कि हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए। ये हमें क्या सीख मिली है इस पाठ से। अब इस पाठ में कठिन शब्द है स्वतंत्रता, स्वर्णाक्षरों, स्वतंत्रता यानी कि जो फ्रीडम हम इंग्लिश में कहते हैं ना, यानी कि हमें स्वतंत्रता मिली है, हम आजाद घूम रहे हैं। स्वर्ण अक्षरों में, यानी कि स्वर्ण मतलब कि सोने के अक्षरों में यह नाम लिखा गया। ठीक है, विद्रोह किया मतलब कि उन्होंने अपोज किया उनको, है ना, कि हम यह नहीं मानेंगे, तो उन्होंने विद्रोह किया, उनकी बात नहीं मानी। सेंट्रल यानी कि जो सेंटर होता है ना, उसको हम सेंट्रल कहते हैं। दिसंबर महीना होता है दिसंबर, घनिष्ठ गहरे दोस्त, जागृत मतलब कि जागरूकता फैलाना, है ना, जगाना या चेतना पैदा करना, बहिष्कार विरोध करना, बर्बरता पूर्वक बेरहमी से, आक्रोश यानी कि बहुत ज्यादा गुस्से में। ठीक है, नए शब्द सीखो, ज्वाला आग, घनिष्ठ गहरे, गठन स्थापना, गतिविधियां कार्यकलापों मतलब कि गतिविधियां यानी कि जो ऐसे ऐसे कुछ कुछ काम होते गए तो कार्यकलापों हम उन्हें कहेंगे, बर्बरता पूर्वक बेरहमी से, जुर्म अपराध, है ना, उन्होंने मार दिया था तो ये जुर्म हुआ यानी कि अपराध किया, धधकना तेजी से जलना, प्रारंभिक शुरुआती, शुरुआत जो होती है उसे हम कहेंगे प्रारंभिक, जागृत करना, जगाना या चेतना पैदा करना, बहिष्कार विरोध करना, आक्रोश गुस्सा, हंसते हंसते खुशी से। ठीक है, तो बच्चों मैं आशा करती हूँ आप सबको यह पाठ समझ में आया होगा, आपको ये नए शब्द
पढ़ने हैं, सीखने हैं, ठीक है, और ये सारे जो भी चैप्टर है इसको रीड करना है। और जबकि जब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी तब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी भेज दूंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।